परमेश्वर के गोद में गया और परमेश्वर ने हमें आजादी करके स्वतंत्रता देकर हमें छुड़ा कर चले गए। सब हालेलुया, उन्हीं का गीत है और परमेश्वर आशीष दे। सब हालेलुया, आंखें बंद करें थोड़ा सा प्रार्थना। पिताजी, हम जो भी तेरे महिमा के लिए गाने जा रहे हैं उसमें तेरा आशीष है और हम तेरा महिमा कर सकते हैं। पिताजी, महान जीवित परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे लिए जितना गाएं उतना कम है। परमेश्वर, तेरा प्रेम हम पे बना है, यीशु मसीह के नाम, आमेन, आमेन। परमेश्वर की महिमा में तुम्हें तेरा, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उस समय मारे गए, गाड़े गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, उस समय बहुत सारे लोग रो रहे थे, बहुत सारे लोग हंस भी रहे थे, लेकिन हम अपने परमेश्वर की कीमत को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो हमारे लिए क्या करता है। वहां पर परमेश्वर का एक भक्त थे, एक दास थे, एक भक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के दुखों को देख रहे थे और परमेश्वर से कह रहे थे, परमेश्वर आपके पास तो सब कुछ है लेकिन फिर भी आपने सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ हमारे लिए दे दिया, तू धनवान होकर हमारे लिए कंगाल हो गया। परमेश्वर, तेरा महिमा अपार है। एक दास परमेश्वर का महिमा करते हुए वहां पर कुछ गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, परमेश्वर ने आशीष दी, कह रहे हैं, क्रूसधारी काहे के कहैला ये हो मरियम के ललना। जब आपके पता रहे कि लोग आपके पकड़े खतरे आई, आपके दुख देवे खतरे आई, आपके मारे खतरे आई, घसेटे खतरे आई, रोवा सामने कहे हो गए नहीं, रोवा जो हट जाग चाहे, हट जाग चाहे, लेकिन परमेश्वर ने तो हमारे लिए आए थे ताकि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और हमें बचा ले। पहुंचना है जब वो जा दुश्मन पकड़े खतरे ले तो आपके हट जाग चाहे लेकिन ना हट ले, कहो कहा हो जा। जब तू सामनवा लगवा तोहरा के पकड़े आईले, जब तू सामनवा लगवा तोहरा के पकड़े आईले, आता है जब दुश्मन लोग पकड़े खातिर आए तो तारा साइड हो जाए चाहे लेकिन प्रभु जी साइड ना बने। जब तू सामनवा प्रभु जी तोहरा के पकड़े आईले,
दुश्मन लोग परमेश्वर के पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद दुश्मन लोग बहुत बुरा तरीका से परमेश्वर के घसटे लागल, बोले लागल, लेकिन फिर भी परमेश्वर कुछ नहीं की बोला। लोग झुकियावा था, लोग घसटा था, लेकिन परमेश्वर हो जा तो लोग के कुछ नहीं कहा। जब तू सामने आए प्रभु जी तोहर के घिर आवत रहले, जब तू सामने आए प्रभु जी तोहर के घिर आवत रहले, जब तू सामने आए प्रभु जी तोहर के घिर आवत रहले, जब तू सामने आए प्रभु जी तोहर के घिर आवत रहले। लेकिन प्रभु जी तो दयालु रहनी न, जब दुश्मन लोग घरी आवत रहे वो लोग के परमेश्वर कुछ नहीं कह कहत रहे। वो लोगन के क्षमा कईला ए हमारे हम के लगना, परमेश्वर के ऊपर जवाब न देने। अब ऐसे परमेश्वर कहने लोग, लोग मुझे सताए हैं, लोग तुझे सताएंगे, लोग मुझसे प्रेम किए हैं, लोग तुमसे प्रेम करेंगे, लेकिन उनके धमकियों से मार से उनके बोले से मत डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता। लेकिन वो बड़ा जब परमेश्वर के ऊपर दुख बीतल, जब ये परेशानी बीतल, सारा दुख उठाने लोग फिर आवन उनका के, ओकर बाद भी लोग ना छोड़, ओकर बाद का करता, जब प्रभु गलिया पर मरले, परमेश्वर के गाल पर चाटा मारता,
लेकिन परमेश्वर का वचन निकल बा। यदि कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसे दूसरा किसी से, लेकिन वो बड़ा जब गाल पर परमेश्वर का थप्पड़ लगा था लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं कहा। सोचने वाला बात था कि देखकर ऊपर सारा दुख दिक्कत हो गया और चुपचाप का माइंड हो गया। जैसे समझ एक बकरा को हलाल किया जाता है और बकरा कुछ नहीं बोलता है, मारो काटो चुपचाप खड़ा रहता है, वैसे प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए दुख उठाया है, चुपचाप सहता रहा है। उस ताना को, उस गालिया को, उस थप्पड़ को सहता रहा है। प्रभु ने किसी को कुछ नहीं कहा। वहां पर क्या कहते हैं, वो लोगन के छामा कैल ये हमारे यम के लड़ना, सुधारे काले के कहल ये हमारे यम के लड़ना। लगल वो मेरा परमेश्वर कुछ नहीं बोले, लोग घिरिया लगल तब वो कुछ ना बोलने, ओकर बाद से लोग परमेश्वर को मुंह पर थूकल, वो मेरा परमेश्वर चुप बने। जब लोग घिरना कर तब वो परमेश्वर चुप बने और कहते नहीं, जब तू सामन मय प्रभु जी पापा परत कले रहले, जब तू सामन मय प्रभु जी मुहावा परत कले रहले, बहु लोगन के चाम कैल हे मरियम के ललना, बहु लोगन के परमेश्वर कुछ न बोले, चुप रहने। सोचो कितना दुख परमेश्वर ने हमारे लिए और सबके लिए उठाए और कुछ नहीं बोले। ओकरा बाद से परमेश्वर के लोग खड़ा कर और पीठी पर कोड़ा मारे लगा। जब वो कोड़ा के मार परमेश्वर सहने, जो कोड़ा रहे कोड़ा कोड़ा ना रहे, वो कोड़ा के अंदर कील रहे। जब प्रभु के ऊपर कील के कोड़ा गिरे तो गिरने के बाद क्या करे, चमड़ी के साथ साथ मांस और खून निकाल दे। तो जहां गिरे कोड़ा वहां से खून निकाल दे, मांस निकाल दे। 39 कोड़ा परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए सहा है। हम जो एक कोड़े नहीं सह सकते हैं उसने 39 कोड़े सहा, और लोग उनको नहीं छोड़े, लोग कोड़े मारे
लेकिन कोड़े मार खाने के बाद भी परमेश्वर के मुंह से आवाज नहीं निकला, परमेश्वर के मुंह से शराब नहीं निकला, परमेश्वर ने चुप रहा और परमेश्वर के दास कहा था जब तू सामनवाए प्रभु जी पिछिया पर कोड़ा मर ले, जब तू सामनवाए प्रभु जी पिछिया पर कोड़ा मर ले, जब तू सामनवाए प्रभु जी पिछिया पर कोड़ा मर ले, जब तू सामनवाए प्रभु जी पिछिया पर कोड़ा मर ले। अब हो लोगन के परमेश्वर के ऊपर कोड़ा गिरल, कोड़ा के साथ साथ खून निकल, खून से पीड़ित रह के भी क्रूस उठा के चले पड़ल, चलने के बाद ही लास्ट कड़ी में परमेश्वर के क्रूस पर सुता के आप लोग देखे होंगे कि हाथ में किला मारा गया किसके लिए। आज जितने लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, जितने आज ये विश्वास करेंगे यीशु मसीह कोड़े हमारे लिए खाया है, आज जितने विश्वास करेंगे यीशु मसीह खून हमारे लिए बहाया है, आज जितने विश्वास करेंगे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और हमारे लिए जी उठा, परमेश्वर आज उन्हें बचाने के लिए तैयार है। आमीन। जो लोग विश्वास कर लेंगे कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, आज हो गए हैं, जो लोग ये विश्वास कर लेंगे कि उसके दुख उठाने से हमारा दुख चले गया, तो समझ लो आज उनका दुख भी खत्म हो गया। आप जैसा विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके लिए वैसा ही करेगा और परमेश्वर आपसे बात करेगा। और पहला कड़ी में वहां पर लिख कि जब परमेश्वर के वो काट के लकड़ी पर चढ़ा के क्रूस पर हाथ में कीला मराई, वो कीला जब हाथ में लागल तो हाथ के कीला से काल निकला था, खून निकला था ना, लेकिन वहां पर लिखा है जब तू सामनवाए प्रभु जी हाथवा में कीला मर ले, जब तू सामनवाए प्रभु जी हाथवा में कीला मर ले, जब जब
प्रकार से परमिशन हमारे लिए और आप